के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिसके फैलने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, जिसके चलते नागपुर की अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी इन्होंने आह्वान किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट से डरे नहीं, सावधान रहे और सावधानी बरतने से बच्चे भी इस वेरिएंट से दूर रह सकते हैं। ऐसा है ना, अभी हाल ही में जो नया वेरिएंट कोविड का आ गया है वो बहुत फास्ट स्प्रेडिंग वेरिएंट है, जिससे कि एक हुआ तो दूसरे को होने की संभावना बहुत जल्दी हो जा रही है। तो उसके कारण सिटीजन्स ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, आरोग्य सेंटर वगैरह के जो कर्मचारी हैं उन्होंने तो कंपल्सरीली ये सब चीज़ें रखना ही, इसके लिए हम लोग आह्वान करते हैं। सिटीजन्स भी काफ़ी प्रमाण में उसको कहीं रिस्पांस दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि कितने कोविड पेशेंट्स हुए हैं, क्या हैं? अभी हमारे यहाँ करीब करीब 360 के करीब एक्टिव कोविड पेशेंट है, मतलब जो पिछले 5-6-7 दिन में कोविड के पेशेंट थे वो, उनको हम 7 दिन तक एक्टिव कोविड पेशेंट कहते हैं। तो ये एक्टिव कोविड पेशेंट जो है, जिनको कोई और सीरियस बीमारी नहीं है, वो तो बहुत हेल्दी अपने आप को महसूस करते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा फीवर, टेम्परेचर, बॉडी एक ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी जैसे अगर थोड़ा सा सीवियर ये होता है तो उन्होंने अपने अपने डॉक्टर से भी सलाह लेना चाहिए। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को इसमें से थोड़ा सा डर कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, हमने प्रिकॉशन तो पूरी लेना ही चाहिए, क्योंकि हमसे और कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। डेथ के बारे में अगर मैं चाहूँ तो अभी हम लोग कोविड जिनको पॉजिटिव आया, अगर उनका डेथ हुआ है तो उनके हर किसी डेथ को हम लोग डेथ ऑडिट कमेटी के पास भेजते हैं, जहाँ एक्सपर्ट्स जो होते हैं इस फील्ड के, वो डेथ पर एनालिसिस करके ये डेथ किस चीज़ के कारण हुआ है, मतलब कोविड पॉजिटिव थे लेकिन कोविड के कारण हुआ है या और किसी के कारण हुआ है। तो अभी तक हमारा यहाँ सिर्फ ऑडिट कमेटी के तरफ से एक ही डेथ उसमें कोविड से हुआ है, ऐसा, और जो दो डेथ थे वो कैंसर या और कोई बड़ी बीमारी के कारण हुआ है, ये उनका फाइंडिंग है उसके कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेथ नहीं होता है तो हम लोगों ने उसकी प्रिकॉशंस नहीं लेना चाहिए। मैं सिटीजन्स को फिर एक बार अपील करूँगा कि आप सारे ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के चीज़ें फॉलो करो। ये जो वेरिएंट है XBB.1.16, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है उनका जो स्वैब हमने लिया रहता है, वो पॉजिटिव आने के बाद हम उसको नीरी के इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, जहाँ पर वो कौन से वेरिएंट का है ये पता चलता है। तो अगर नया कोई वेरिएंट आता है उससे कोई और चीज़ें संभावना है क्या, ये हम लोग रोज़ ही ऐसे सैंपल वहाँ भी भेजते हैं, मतलब पॉजिटिव आने के बाद, पॉजिटिव आया लेकिन कौन से वेरिएंट के कारण आया ये भी हमें जानकारी लेना ज़रूरी होता है। तो आप सब लोग से मेरी यही विनती रहेंगी कि अभी त्योहारों के दिन हैं, अक्षय तृतीया है, ईद है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होने की संभावना होती है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम लोग प्रॉपर से इम्प्लीमेंट करें, वहाँ सीनियर सिटीजन्स को, बीमार पेशेंट को हम लोग उनसे थोड़ा सा दूर रखें, बच्चों को भी अगर दूर रखें, तो हमारे लिए ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी। धन्यवाद।